हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स की जो आपकी इंग्लिश की वर्कबुक है HBSC की, उसका यूनिट 10 का लिंक लेसन द बैनियन ट्री करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 10 द बैनियन ट्री। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो कॉम्प्रिहेंशन है आपका ये। देयर लिव्ड ए कैट एंड ए डॉग। द कैट्स नेम वॉज किटी एंड द डॉग वॉज कॉल्ड मोती। दे वर वेरी फ्रेंडली। वन डे दे सॉ ए पीस ऑफ केक इन द वेरेंडा। द टू फ्रेंड्स रैन टूवर्ड्स इट एंड कोलाइडेड विथ ईच अदर। नाउ दे बिकेम एनिमीज एंड स्टार्टेड फाइटिंग फॉर द पीस ऑफ केक। ए कनिंग स्क्विरल was watching them from a branch of a tree nearby. It jumped at the cake, ate it quickly, and climbed back to the tree, licking his lips. It sat on the tree comfortably and began to laugh loudly. The dog and the cat stopped fighting and looked at the squirrel. The squirrel told them, "Thank you for the piece of cake and thank you for the fighting exhibition." Now, questions. On the basis of your reading of the above passage, write T for the answers that are true and write F for those that are false. A. The cat and the dog always kept fighting. तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स। तो यहाँ पर F लिखा हुआ है क्योंकि जो कैट एंड डॉग थे वो फ्रेंडली थे, वो फाइटिंग नहीं करते थे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाता है। द स्क्विरल वॉज क्लेवर, ये ट्रू है, सही है। सी है द स्क्विरल लाफ्ड एट द डॉग एंड द कैट। तो स्क्विरल ने जो है कैट और जो डॉग है उस पर जो है वो हंसा, तो ये ट्रू है। द डॉग एट द पीस ऑफ कैट, द डॉग एट द पीस ऑफ केक, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि जो स्टेटमेंट है आपका कि डॉग एट द पीस ऑफ केक, ये फॉल्स है क्योंकि स्क्विरल ने कहा था लास्ट में कि थैंक यू फॉर द पीस ऑफ केक एंड थैंक यू फॉर द फाइटिंग एग्जीबिशन, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। अब चलते हैं आगे सेकंड वन पर। एक बार आप ये सारे फिर से देख लें। A. The cat and the dog always kept fighting, false. B. The squirrel was clever, true. C. The squirrel laughed at the dog and the cat, true. The dog ate the piece of cake. ये फॉल्स है आपका। अब जो है आगे चलते हैं सेकंड है आपका। मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं। ए कनिंग है तो इसका सेंटेंस है ही डिसाइडेड ऑन ए कनिंग प्लान। बी फ्रेंडली है, वी प्लेड ए फ्रेंडली मैच, हमने एक दोस्ताना मैच खेला। फिर है वोकैबुलरी। ए लुक एट द पिक्चर्स एंड नेम द फ्रूट्स एंड ग्रुप देम एज शोन। तो ये जो आपका जो फ्रूट है ये मैंगो है, तो स्पेलिंग है इसकी MANGO। फिर सेकंड वन जो आपका फ्रूट है वो है वाटरमेलन, WATERMELON। फिर जो आपका फ्रूट है वो है लीची, LICHI। फोर्थ आपका है एप्पल, APPLE। फिर आपका है ऑरेंज, ORANGE। फिर है आपका पपैया,
पपैया की स्पेलिंग होगी PAPAYA और फिर है आपका चेरी CHERRY। तो ये आपके जो हैं 7 फ्रूट्स हैं। अब आपसे पूछा है फ्रूट विद वन सीड, फ्रूट्स विद वन सीड में आएंगे आपके मैंगो, लीची और चेरी। फ्रूट्स विद वन सीड में होंगे मैंगो, लीची और चेरी। और फिर फ्रूट्स विद मैनी सीड्स में होंगे वाटरमेलन, पपाया, ऑरेंज और एप्पल। अब आपका बी, अनजम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स टू फाइंड द सिनोनिम्स, वर्ड्स दैट हैव नियरली द सेम मीनिंग, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो एग्जाम्पल इज स्पीक, तो हमें जो है जो वर्ड्स दे रखे हैं उनको अनजम्बल करना है। तो यहाँ पर दे रखा है LKAT, इसको यदि हम अनजम्बल करेंगे तो ये हो जाएगा टॉक। तो स्पीक का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा टॉक। इसी तरह से हमें बाकी करने हैं। तो फर्स्ट वन है इसमें कंप्लीट, और जो इसको अगर हम अनजम्बल करेंगे जो दे रखा है IHINFS, तो इसका होगा फिनिश। तो कंप्लीट और फिनिश जो है वो आपस में सिनोनिम है। फिर टेस्टी हमें अनजम्बल करना है MYUMY को, तो ये हो जाएगा यमी। तो टेस्टी का जो यमी है वो सिनोनिम है। थर्ड है लेंटेड, हमें दे रखा है RIRADVE, इसको यदि हम अनजम्बल करते हैं तो ये हो जाएगा अराइव्ड। तो लैंडेड और अराइव्ड जो हैं वो आपस में सिनोनिम हैं। फोर्थ है कैप्चर्ड, हमें दे रखा है TAGHUC, तो इसको यदि हम अनजम्बल करते हैं तो ये होगा कॉट। और कैप्चर्ड और कॉट का मतलब वही होता है पकड़ा, तो ये आपस में सिनोनिम है। कॉट की स्पेलिंग होगी CAUGHT। अगला है लीडर, हमें दे रखा है EDAH, इसको यदि हम अनजम्बल करते हैं तो ये होगा हेड। तो लीडर जो होता है वो नेतृत्व करता है तो वो हेड होता है, तो लीडर का सिनोनिम है हेड। फिर है डैम्प, दिया हुआ है WTE, इसको अनजम्बल करते हो तो हो जाएगा वेट यानी गीला। तो डैम्प का सिनोनिम होगा वेट। एक बार फिर देख लेते हैं, कंप्लीट का सिनोनिम फिनिश, टेस्टी का सिनोनिम यमी, लैंडेड का सिनोनिम अराइव्ड, कैप्चर्ड का सिनोनिम कॉट, लीडर का सिनोनिम हेड और डैम्प का सिनोनिम वेट। अब चलते हैं आगे सी पे। मैच द फॉलोइंग राइमिंग वर्ड्स एंड देन राइट देम इन द बॉक्स गिवन बिलो, वन इज डन एज एन एग्जाम्पल। तो राइमिंग वर्ड्स को हमें करना है। तो फन का राइमिंग वर्ड होगा बन, आप देख रहे हैं। थिंक का होगा राइमिंग वर्ड ब्रिंग, माइट का राइमिंग वर्ड होगा राइट, काउ का राइमिंग वर्ड होगा नाउ, होल्ड का राइमिंग वर्ड होगा टोल्ड, और हार्ट का जो है राइमिंग वर्ड होगा वो होगा स्टार्ट। एक बार फिर देख लेते हैं, फन बन, थिंक ब्रिंग, माइट राइट, काउ नाउ, होल्ड टोल्ड और हार्ट स्टार्ट। अब है एग्जाम्पल, फन बन दे रखा है आपको, इसी तरह से थिंक ब्रिंग, माइट राइट, काउ नाउ, होल्ड टोल्ड और हार्ट स्टार्ट, ये हम कर चुके हैं। अब है स्ट्रक्चर ग्रामर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आपको दे रखे हैं, इटसेल्फ, हरसेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ और माईसेल्फ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ही से हिमसेल्फ होगा, सी से हरसेल्फ होगा, यू से योरसेल्फ होगा और आई से माईसेल्फ होगा, और इट से जो है वो इटसेल्फ होगा। तो चलते हैं, देखते हैं एग्जांपल।
मैं ही हिमसेल्फ कॉल्ड द पुलिस, तो ही है तो हिमसेल्फ हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसने स्वयं जो है पुलिस को बुलाया। सीता कट हर सेल्फ विद ए नाइफ, तो यहाँ पर जो हर सेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, सीता लड़की है तो हर सेल्फ हो गया। तो इस तरह से हमें जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। फर्स्ट आपका है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। फर्स्ट है द डॉग हर्ट डैश ब्रैकेट में है हर सेल्फ और इट सेल्फ। तो यहाँ पर आप डॉग के साथ हर सेल्फ तो कर ही नहीं सकते, तो इट सेल्फ हो जाएगा। तो द डॉग हर्ट इट सेल्फ, इट सेल्फ जो है करेक्ट है। सेकंड है अशोक हैज़ डन दिस वर्क हिमसेल्फ, अशोक ने ये काम खुद किया है। तो अशोक के लिए हम ही देखेंगे तो हिमसेल्फ हो जाएगा, आवर सेल्फ नहीं आएगा। थर्ड है दे डैश वांटेड टू ब्रेक द एग्रीमेंट, वे स्वयं एग्रीमेंट को तोड़ना चाहते थे। तो आपको दे रखा है आवर सेल्फ और देम सेल्फ, तो दे से होगा देम सेल्फ। फोर्थ है द बेबी सॉ डैश इन द मिरर, बेबी ने स्वयं को मिरर में देखा, तो हर सेल्फ और इट सेल्फ दे रखा है, बेबी के लिए आएगा इट सेल्फ। फिफ्थ है आई डैश रोट दिस लेटर, तो माई सेल्फ और आवर सेल्फ दे रखे हैं, तो आई से हो जाएगा माई सेल्फ, आई माई सेल्फ रोट दिस लेटर। सिक्स्थ है आई फिनिश्ड द वर्क डैश, तो इट सेल्फ और माई सेल्फ दे रखे हैं, तो आई फिनिश्ड द वर्क माई सेल्फ। सेवन्थ है वी हैव बिल्ट दिस हाउस डैश, हमने ये घर स्वयं बनाया है, तो वी से हो जाएगा आवर सेल्फ, और पीछे जो हमने किया था आई फिनिश द वर्क माई सेल्फ, तो आई से माई सेल्फ। इसी तरह से जो फिफ्थ था वो भी आई से माई सेल्फ। तो फर्स्ट में इट सेल्फ, सेकेंड में हिम सेल्फ, थर्ड में देम सेल्फ, फोर्थ में इट सेल्फ, फिफ्थ में माई सेल्फ, सिक्स्थ में माई सेल्फ और सेवन्थ में आवर सेल्फ। अब है आगे डू योर सेल्फ, नेम द पार्ट ऑफ ए ट्री। तो पार्ट ऑफ ट्री जो है हमें जो है नेम करने हैं। तो ये तो आपका हो गया बार्क, ये पार्ट, ये स्टेम, ये रूट्स और ये लीव्स। अब ये क्या है, इसमें क्या क्या देते हैं ट्री, इट गिव्स होम, इट गिव्स फ्लावर्स, इट गिव्स फ्रूट्स। कंपोजिशन राइटिंग, गिवन बिलो आर सिंपल इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू प्लांट ए सैपलिंग, नीचे जो है सिंपल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे सैपलिंग को प्लांट किया जाए, बट दे आर नॉट इन द राइट ऑर्डर, लेकिन वो राइट ऑर्डर में नहीं है। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों को रीअरेंज करें एंड रीराइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड, और जो स्पेस दी गई है उसमें रीराइट करें। तो यहाँ फर्स्ट दे रखा है प्रेस द सॉइल जेंटली टू मेक द प्लांट स्टेबल, सेकंड है डिग ए स्मॉल पिट इन द गार्डन, थर्ड है वाटर द प्लांट, और फोर्थ है प्लेस द सैपलिंग इन द पिट, और फिफ्थ है फिल द पिट विद सॉइल, और सिक्स्थ है टेक ए सैपलिंग। तो फर्स्ट में होगा आपका डिग ए स्मॉल पिट इन द गार्डन, सेकंड में टेक अ सैपलिंग, थर्ड में प्लेस द सैपलिंग इन द पिट, फोर्थ में होगा फिल द पिट विद सॉइल, फिफ्थ होगा द प्रेस द सॉइल जेंटली टू मेक द प्लांट स्टेबल, और सिक्स्थ होगा वाटर द प्लांट। तो यहाँ मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, एक बार फिर बता देते हैं आपको हाउ टू प्लांट अ सैपलिंग, एक पौधारोपण कैसे करें। फर्स्ट डिग ए स्मॉल पिट इन द गार्डन, बगीचे में गड्ढा खोदें। सेकंड है टेक अ सैपलिंग, एक छोटा पौधा लें। थर्ड है प्लेस द सैपलिंग इन द पिट, पौधे को गड्ढे में रखो। फोर्थ है फिल द पिट विद सॉइल, पौधे को स्थिर करने के लिए जो है फिल द पिट विद सॉइल, पिट को जो है सॉइल से भरें। और आगे है पांचवा प्रेस द सॉइल जेंटली टू मेक द प्लांट स्टेबल, और जो पौधे को स्थिर करने के लिए जो है आराम से मिट्टी को दबाएं, और
लास्ट है वाटर द प्लांट, पौधों को पानी दे। फर्स्ट डिग ए स्मॉल पिट इन द गार्डन, सेकंड टेक ए सैपलिंग, थर्ड प्लेस द सैपलिंग इन द पिट, फोर्थ फिल द पिट विद सॉइल, फिफ्थ प्रेस द सॉइल जेंटली टू मेक द प्लांट स्टेबल, और सिक्स्थ जो है वो वाटर द प्लांट। अब है स्टडी स्किल्स। फ्रॉम द फॉलोइंग डिक्शनरी पेज फाइंड द वर्ड्स विच मीन द सेम एंड राइट इन द बॉक्स। तो एग्जाम्पल में है ए सॉफ्ट, शाइनी, ग्रे, वाइट और मेटल। तो ये है आपके सिल्वर, इसको कहेंगे सिल्वर। फिर अगले में है अलाइक, अलाइक का मतलब होता है एक जैसा, तो हो जाएगा सिमिलर। सेकंड है विदाउट एनी नॉइज, बिना शोर किए हुए, तो ये हो जाएगा साइलेंस। थर्ड है ए फाइन क्लोथ मेड फ्रॉम स्मूथ थ्रेड्स, तो ये होगा आपका सिल्क। और फोर्थ है इजी टू अंडरस्टैंड यानी सिंपल। यहाँ आपको दे रखे हैं डिक्शनरी वर्ड्स भी। तो फर्स्ट में आप सिल्वर भरेंगे जो एग्जांपल में दे रखा है, फिर फर्स्ट में अलाइक, अलाइक सिमिलर, सेकंड विदाउट एनी नॉइज मींस साइलेंस, थर्ड ए फाइन क्लॉथ मेड फ्रॉम स्मूथ थ्रेड्स वो सिल्क, और फोर्थ है इजी टू अंडरस्टैंड तो वो है सिंपल। यहाँ सारे आपको बॉक्स में दिए हुए हैं और उनके मीनिंग भी आपको दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारी यूनिट 10 समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।